हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक डार्क साइड यूट्यूब की। यूट्यूब के बारे में आप लोगों ने बहुत चीज़ें सुनी होगी कि यहां से हमको अर्निंग होती है, हमको नेम फेम दोनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है एक यूट्यूबर के साथ जब वो वीडियो बनाए स्टार्ट करता है, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप भी यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो या आप सोच रहे हो कि यार हम भी यूट्यूब पर वीडियो बना के पैसे कमाएंगे, तो ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको यूट्यूबर बनना है या अदर कुछ काम करना है। दोस्तों, आज के समय में यूट्यूब का बहुत क्रेज है। कोई भी स्टूडेंट हो, 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, तो वो ये सोच रहा है कि यार हम यूट्यूब पे मेहनत करेंगे, हमारा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और हमको जॉब करने की, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने कभी ना कभी यूट्यूब पे ज़रूर सर्च किया होगा या गूगल पे कहीं भी सर्च किया होगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दो तीन सोर्स बताए होंगे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और मनी अर्न करने के लिए जो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म आपको बताया जा रहा होगा वो होता है कि यूट्यूब। आप यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, गूगल एडसेंस से आप वहाँ से पैसे कमाएंगे, मतलब वहाँ पे आपको कुछ ऐसा बताया जाता है कि आप एकदम करोड़पति हो जाएंगे जैसे ही आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे। कुछ यूट्यूबर हैं जैसे कि मनोज दे हो गए, टेक चैंपियन सपोर्ट हो गए, योगी योगेंद्र जिनका नाम है, टेक्निकल योगी जिनके चैनल का नाम है, इस तरह के कई सारे यूट्यूबर हो गए जो आपको बताते हैं कि 10 दिन में एक चैनल कैसे ग्रो करें, लाखों कमाएंगे आप चैनल बना के, करोड़ों कमाएंगे। और आखिरी में होता क्या, कभी आपने उन लोगों से पूछा जिन्होंने चैनल स्टार्ट किया इनको देख के? अगर मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, तो मैंने भी मनोज दे को देख के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने देखा था कि उनका जो पहले कंडीशन अच्छी नहीं थी और जब यूट्यूब चैनल उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद से उनको लाखों की अर्निंग होने लगी और करोड़ों लोग जानने लगे, नेम एंड फेम दोनों मिला। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर इन लोगों से इस समय आप पूछो कि यूट्यूब अच्छा है कि कोई भी जॉब अच्छी है, तो ये आपको बताएंगे कि यूट्यूब से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, जॉब नहीं अच्छी है। लेकिन जब यूट्यूब पे ग्रो होंगे तब तो पैसे कमाएंगे। भाई साहब, ऐसे कोई भी ग्रो नहीं होता और यूट्यूब पे कोई भी पैसे नहीं कमाता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने, जैसा कि आपको बताया कि मैंने मनोज दे को देख के अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और 2 साल हो गए मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए। अभी तक मैं आपको बताऊं इसमें 1 रुपए का मुझे रेवेन्यू नहीं मिला है और मैंने 135 प्लस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों, आपको बताने वाले बताएंगे कि YouTube से आप इतना पैसा कमा सकते हो कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपका टैक्स लगने लगेगा, लेकिन कमाते कितने लोग हैं? बस 100 में से 1 लोग या 2 लोग YouTube से पैसे अर्न कर पाते हैं, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिथम है उन्हें यार सपोर्ट ही नहीं करता। अभी मैं इस वीडियो में आपको अपना YT स्टूडियो भी दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कितना सब्सक्राइबर चेंज है, कितना वॉच टाइम मेरा हो चुका है और कितने व्यूज आते हैं पर डे, पर वीक या पर मंथ, ये सब आपको मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा अभी तक 1 रुपया का रेवेन्यू जनरेट यूट्यूब से नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये यूट्यूबर्स करते क्या हैं? ये यूट्यूबर्स ये करते हैं कि आपको बताते हैं कि यूट्यूब पे आप आइए और आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, मतलब लालच आपको देते हैं, और आखिरी में आपको पता चलता है कि यहाँ पे यार उतना पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आपको बताते हैं कि आप यूट्यूब पे आपको इतना पैसा मिलेगा, ये आपको दिखा देते हैं इतने बड़े बड़े सपने जो कि बहुत लोगों के नहीं पूरे होते हैं। मैंने बताया आपको कि 100 में से सिर्फ 1-2 लोगों के पूरे होते हैं। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो कि यूट्यूबर बनना चाहते होंगे, और मैं भी स्टूडेंट था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं BSc कर रहा था उस समय। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि सिर्फ पैसे को देख कर आप यूट्यूब पर मत आइए और अपनी स्टडी के साथ बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए यूट्यूब के चक्कर में कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो यूट्यूब बन जाऊँगा तो पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं है। आप अपना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का चैनल चलता है भाई, किसी किसी का नहीं चलता। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ना वो यूट्यूब से कुछ पैसा कमा पाते हैं और उनकी पढ़ाई भी चली जाती है, तो आगे की भी उनकी जो अपॉर्चुनिटी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो भी बंद हो जाती है। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। अगर आप YouTube करना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ, तो YouTube को आप पार्ट टाइम रखिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आप ये सोचेंगे लास्ट में मेरी तरह कि मैंने इतने वर्क कर लिया है, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ YouTube पे, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना आपको YT स्टूडियो दिखाऊंगा, तो चलिए वो दिखा के मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब का ये डार्क सच है कि आपको जितना बताया जाता है यूट्यूब के बारे में कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, आप इतना पैसा करोड़ों में खेलेंगे, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। 100 में से 1 लोग के साथ ये हो सकता है या 1000 में से किसी 1 के साथ ये हो सकता है, लेकिन आप अगर सोचो कि 50% या 20% लोगों के साथ
ये नहीं होता है। तो आप भी अगर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के यूट्यूब को पार्ट टाइम रखिए, फुल टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करिए, और अगर यूट्यूब से आपको रिस्पॉन्स मिलने लगे तो आप उसे कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि यूट्यूब के चक्कर में अपनी लाइफ मत बर्बाद कर देना, और बाकी आप सब लोग समझदार हो।